कानपुर देहात जिलाधिकारी नेहा जैन ने भोगनीपुर तहसील में बाढ़ की संभावनाएं वाले क्षेत्र का दौरा किया। इसी क्रम में उन्होंने सर्वप्रथम सिंगूर नदी के क्षेत्र का दौरा किया और उप जिलाधिकारी भोगनीपुर को निर्देशित किया कि इस क्षेत्र में सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए जाएं ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने मुसरिया गांव का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने गांव के ही एक मछुआरे सोनेलाल के घर जाकर संपूर्ण स्थितियों का जायजा लिया और उनसे उनकी समस्याओं से भी अवगत हुई, जिसमें सोनेलाल ने बताया कि मछलियों के मारने पर प्रतिबंध लगाने से हमारी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि हम शीघ्र ही इस मामले की छानबीन करवाएंगे और यह देखेंगे कि किन मछलियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है और आपकी समस्याओं का निस्तारण शीघ्र करेंगे। इस भ्रमण के दौरान मुसरिया गांव में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय मुसरिया अमरौधा ब्लॉक क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया, जहाँ पर विद्यालय में ताला लटकता हुआ नजर आया। कोई भी शिक्षक उपस्थित नहीं था। मौके पर 3 छात्र वहां पर उपस्थित थे, जिन्होंने जिलाधिकारी को बताया कि शिक्षक यहां कभी कभी आते हैं और समय पर कभी भी नहीं पहुंचते हैं। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ा रोष व्यक्त करते हुए जांच के आदेश दिए। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने प्राथमिक निरीक्षण के दौरान पंजीकृत 102 बच्चों में मात्र 49 बच्चे उपस्थित पाए गए, जिस पर जिलाधिकारी ने प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया कि बच्चों की उपस्थिति 100% पूर्ण करें। वहीं विद्यालय में 3 शिक्षक की तैनाती पाई गई, जिसमें एक शिक्षक साक्षी मिश्रा अनुपस्थित मिली। विद्यालय में पंखा इत्यादि खराब पाए गए। इस पर जिलाधिकारी ने संपूर्ण व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के संबंधित को निर्देश दिए। वहीं उन्होंने बच्चों से शिक्षा के विषय पर बातचीत की। वहीं जिलाधिकारी विद्यालय के कायाकल्प के तहत कार्य कराए जाने की भी निर्देश दिए।